सभी अपने घरों में रोज चाय पीते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो चाय हम तक पहुंचती है उसकी प्रक्रिया क्या होती है? नहीं पता तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, चाय के बागानों से कुछ यूं पत्तियां जो हैं वो बटोर कर लाई जाती हैं। ऐसे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त एक हम मशीन फैक्ट्री में है और यहाँ पर आइए, आगे आइए, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर तमाम वर्कर्स काम करते हैं। ये चाय पत्ती जो बाहर से आई है उसको यहाँ पर, ये देखिए, ये जगह हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोड किया था। ये देखिए, ये चाय पत्ती अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे हाथ में चाय पत्ती है। यहाँ पर लोड करने का मकसद ये होता है कि चाय जो है, चाय पत्ती, वो पहले थोड़ा वेट होती है, उसको एक दिन तक सुखाया जाता है। देखिए यहाँ पर लाइन से अलग अलग, ये आप उसे गोदाम कह सकते हैं आसान भाषा में, जहाँ पर ये चाय पत्ती रखी गई है। और ये चाय की पत्तियां सीधे फ्रेश पेड़ तोड़ी, इसे खाली कर दिया गया। देखिए, इसके बाद अलग अलग झोलों में इसे पैक किया जाता है, और झोलों में पैक करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे झोले जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं। देखते जाइए आप, ये पूरी प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपने शायद पहले नहीं देखी होगी। और इसके बाद ये तमाम चाय के जो बैग्स हैं पत्तियों के, वो यहाँ से निकलते निकलते देखिए ये बैग्स आ रहे हैं, और इसके बाद इस जगह से, यानी ये लोडिंग का सामान है, इसे आप आसान भाषा में कह सकते हैं, और इसके बाद ये सारे बैग जो है वो यहाँ अंदर चले जाते हैं। तो चाय पत्ती जो है वो कैसे लोड होती है और कैसे अंदर पहुंचती है, हमने आपको दिखाया। अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि चाय पत्ती हमारे पास बनकर कैसे आती है। चलिए हमारे साथ, चाय की फैक्ट्री के अंदर हम मौजूद हैं, और बाहर से देखिए ऐसे यहाँ पर पैकेट्स में, देखिए ये व्यक्ति ला रहा है, यहाँ पर ये पैकेट आया, यहाँ रखा, और उसके बाद ये मशीन जो आपको है, यहाँ से चाय पत्ती जो है वो नीचे आती है। देखिए अलग अलग पैकेट जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे वहाँ पर, और उन पैकेट्स को यहाँ पर डाला जाता है। इसके बाद इस मशीन के जरिए चाय पत्ती जो है, जो पेड़ से तोड़कर लाई गई है, वो कुछ यहाँ आती है। देखिए ये गिर रही है, और ये प्रक्रिया आप देखिए, ये प्रक्रिया जो हम आपको दिखा रहे हैं ये चाय की है। इसके बाद एक लेयर तैयार होती है यहाँ पर, देखते जाइए आप, यहाँ पर ये लेयर तैयार हो रही है। पहले स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप में यहाँ पर ये आपको ग्रीन कारपेट सा नजर आ रहा है, ये दरअसल चाय है, चाय की पत्तियाँ हैं जो बराबर यहाँ पर लाई जा रही हैं। अलग अलग हिस्सों में इसकी अलग अलग प्रक्रिया हो रही है, इसमें से पानी जो है वो निकाला जा रहा है, और इसके बाद अगला स्टेप यहाँ पर आता है। देखिए चाय की पत्ती जो है वो यहाँ से कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ रही है, इसके अंदर का पानी जो है वो निकाला जा रहा है और इसे सुखाकर आगे भेजा जा रहा है। ये प्रक्रिया लगातार यूं ही आगे बढ़ रही है, और इसके बाद यहाँ पहुँचती है। देखिए ये पूरी लेयर यहाँ से जा रही है, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये मशीन जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो पीछे एक बार कैमरा घुमाते हैं और ये पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं। वहाँ चाय पत्ती आई, चाय पत्ती को डाला गया, देखिए ऊपर वो डाला जा रहा है यहाँ पर, अगर ये आप देख सकते हैं, ये चाय पत्ती डाली गई, और डाले जाने के बाद जिस मशीन को हमने आपको दिखाया उसके जरिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते आ रहे हैं। अब आप और आगे आइए, इस मशीन का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से चाय पत्ती जो है, देखते जाइए आप, अब यहाँ पर जो ये चाय पत्ती आ रही है ये सूख कर आ रही है, हालांकि ये हरी चाय पत्ती अभी है, इसे और सुखाया जाएगा अभी। तो ये देखिए, ये मशीन से चाय पत्ती हम आपको दिखा रहे हैं, इसको और ज़्यादा रिफाइन किया जा रहा है और ज़्यादा सुखाया जा रहा है। और इसके बाद अगर प्रक्रिया की बात करेंगे तो ये देखिए, ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, यहाँ पर इसे सुखाने के बाद और ज़्यादा फिल्टर किया जा रहा है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखते जाइए, ये चाय पत्ती जो है, यहाँ पर अंधेरा आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर चाय पत्ती जो है बिछा दी गई है, ये ऑलमोस्ट तैयार चाय पत्ती है, 80% तैयार है। ये चाय पत्ती जो हम आपको दिखा रहे हैं अंधेरे में, ये ब्राउन शुगर, देखिए हाँ लाइट जल चुकी है, ये दिखाइए एक बार, इधर दिखाइए, ये 80% तैयार शुगर है, चाय पत्ती है। और यहाँ से देखिए ये कुछ इस तरीके से गिरती है। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये और ज्यादा फिल्टर्ड है, ये और ज़्यादा फिल्टर्ड है, और ये चाय पत्ती भी तकरीबन तैयार बताई जा रही है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो ये चाय का प्रोसेस जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ से चाय पत्ती जो है वो आई थिंक ये लास्ट स्टेज पे हम आ चुके हैं। ये देखिए, ये आई थिंक चाय पत्ती यहाँ पर तैयार हो चुकी है। नहीं, यहाँ से आपका हॉट चैम्बर में जाएगा ये। अच्छा, ये हॉट चैम्बर में जाएगा। हाँ, तो रेडी टू हॉट चैम्बर। तो यहाँ पर ये चाय पत्ती हमने आपको दिखाई, अब चलते हैं हॉट चैम्बर। हम प्रोसेस जो है वो हीट चैम्बर का है, और ये देखिए यहाँ पर ये चाय पत्ती इस प्रक्रिया से होने के बाद, ये चाय पत्ती जो है, ये देखिए ये हीट चैम्बर की प्रक्रिया जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके बाद ये चाय पत्ती कुछ यूं यहाँ से जाती है आगे फिल्टर्ड होने के लिए।
यहाँ से चाय पत्ती आगे अलग अलग प्रोसेस जाती है। जो बड़ी चाय पत्ती है देखिए यहाँ से वो छन के यहाँ पर आती है, यानी ये जो चाय पत्ती है ये जो बड़े टुकड़े होते हैं इसे दोबारा से रिफाइन किया जाएगा और वो दोबारा से इसी प्रक्रिया से होकर आएगी। मुझे लगता है कि सारी चाय की क्वालिटी एक ही तरीके से होती तो आप गलत है। उस मशीन से ये पूरा प्रोसेस होके आखिर जो स्टेप है वो ये आती है। और ये चाय पत्ती इस वक्त जो निकल रही है यहाँ पर इस बैग में जिसका नाम है BOPSM, ये सबसे नंबर एक क्वालिटी होती है। नंबर दो की बात की जाए तो शायद ये वाली है। जी हाँ, तो ये देखिए ये चाय पत्ती जो है ये नंबर दो क्वालिटी है। अगर नंबर तीन की बात की जाए तो यहाँ पर हम आगे दिखाते हैं आपको, ये चाय पत्ती यहाँ जो निकल रही है इस प्रोसेस से ये नंबर तीन चाय पत्ती है। इसके बाद एक प्रोसेस ये भी है, ये चाय पत्ती जो है जिसमें देखिए बहुत पतले दाने हैं, अक्सर आपको सस्ती चाय पत्तियां जो मिलती है वो आपको ऐसी मिलती होंगी। तो चाय पत्ती का प्रोसेस कई तरीकों से है। ये चाय पत्ती देखिए आप, ये लो क्वालिटी की चाय पत्ती है। अगर आप इन दोनों चाय पत्तियों में अंतर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, इसके दाने जो है वो बिल्कुल क्लियर है और इसके दाने बिल्कुल बुरादे जैसे हैं, बहुत पतले महीन जिसको आप धूल कह सकते हैं। तो ये चाय का मेकिंग प्रोसेस था। अब अगर ये जनाब को आप मिल लीजिए क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ लेकर आए, इनकी खुद की चाय की फैक्ट्री है जिसमें तमाम काम होता है और इन्होंने हमसे कहा कि ये जो प्रोसेस है ये ना सिर्फ हम देखें बल्कि आप जैसे तमाम लोगों को दिखाएं जो देश दुनिया में से देखेंगे। और आप भी ये समझें कि असम के बागानों की जिन चायों की चुस्कियों आप लेते हैं वो दरअसल किस प्रोसेस से गुजर कर आप तक पहुंचती हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो का आप लुत्फ उठाया होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।